नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेजस्वी यादव 20 तारीख से लगातार जनविश्वास यात्रा पर हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बड़ा बयान जारी किया है। मनोज झा ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव जहां यात्रा कर रहे हैं वहां पे जनता का अपार भीड़ देखा जा रहा है, जनता में एक अलग वेग देखा जा रहा है तेजस्वी यादव के समर्थन में। देखिए इस वीडियो में मनोज कुमार झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और भ्रमण चेहरा भी है राष्ट्रीय जनता दल का, क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। देखिए इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त, बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है। मैंने नहीं देखा, तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली के मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की, रात में 1:30 बजे भक्तिया ही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए कई लोगों कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहाँ का व्याकरण बदल के रख दिया है। लोग यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते, आप वो व्यक्तिगत आस्था का विषय, नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये जो सरोकार की राजनीति है जिसमें जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति में एक बदलाव आया है यहां की सभाओं में, तेजस्वी जी की भाषा में, तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी।